स्टूडेंट, अब गॉस की एप्लीकेशन नंबर 6 शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गॉस एप्लीकेशन नंबर 6। क्या है? डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर और वायर एट द सरफेस। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर और इसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपको निकालना है। मैंने एक कंडक्टर की सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज है और डॉटेड लाइन से एक मैंने गॉसियन सरफेस को दिखाया, वो है DA, वेरी स्मॉल सरफेस है। और आपको पता है गॉसियन सरफेस दिखा के तभी आपको गॉस एप्लीकेशन करना है। इस एप्लीकेशन में आपको कैसे करना है? वेरी इजी है। पहले आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन इसके अंदर जो चार्ज टोटल चार्ज क्यू अपॉन इसका एरिया ए। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए, जस्ट लाइक आपका सेकंड एप्लीकेशन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे एक सरफेस एरिया है तो यहाँ पे आपको फिर निकालना है फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। ठीक है, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा फाइ ई। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैग्नीट्यूड और डी ए एक स्मॉल एरिया है तो इसका सरफेस इंटीग्रल आपको करना है। ठीक, डी ए का ये मैग्नीट्यूड है डी ए, तो आपको फाइ ई मिल जाएगा ई मैग्नीट्यूड इंटू डी ए का ए मैग्नीट्यूड। सेकेंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन निकालने के बाद फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस निकालने के बाद आपको क्या करना है पड़ेगा? नाउ वी अप्लाई गॉस लॉ। आपको ध्यान रखना है जितने भी हम एप्लीकेशन है, 6 एप्लीकेशन है, जितने भी हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं उसके तरीका एक जैसे ही है, तभी आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। सिमिलर वे से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अप्लाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या है ना, φe = q / ε₀। इक्वेशन 3 गॉस लॉ अप्लाई। फिर आपको इजीली आप क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से q की वैल्यू और सेकंड इक्वेशन से φ की वैल्यू क्या है, e मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, ए मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसका मतलब क्या है, एक्चुअली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर होता है। इन दोनों का आप कैंसिल कर दीजिए तो ई फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या है, एक कंडक्टर की सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक थीन शेल उसके ठीक सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर मेरा सवाल ये होता है, तीनों की डायमेंशन अलग अलग है लेकिन तीनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको सेकेंड चैप्टर में जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लेके आपको फिर सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए आप तैयारी कीजिए, जो एक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और एक कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा क्यों होता है, यह मुझे आप कॉमेंट करके व किसी तरीके से इंडिविजुअली यूट्यूब में आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ पे लिखिए ऐसा क्यों है। फिर अगर नहीं आए तो मैं जवाब दूंगा।